नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। जाम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं ओमेक सिटी सेंटर मॉल में, जहां पे बिल्डर की मनमानी के चलते, बिल्डर की धांधलेबाजी के चलते इतने लोग परेशान हैं। परीना बिल्डर्स लक्ष्मी अपार्टमेंट्स में इन्होंने मकान लिए थे, अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद बिल्डर ने इनके साथ धोखा करा। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन लोगों को यहाँ पे हमें जवाब दे रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्डर के भी यहाँ पे हमें जवाब दे रहा है, ठीक है। और एमडी से मिलने के लिए बकायदा प्रॉपर प्रोसेस से हमने रिक्वेस्ट की, बट पिछले दो घंटे से हम एमडी से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। हमें जो डिमांड लेटर दिया गया है, बाकी पोजीशंस की अगर बात की जाए, ठीक है, सिग्नेचर ग्लोबल, सन सिटी, वहाँ पे सिर्फ 40,000 रुपये डिमांड लेटर एक्स्ट्रा चार्जेज में पोजीशन दी गई है। यहाँ पे 2 लाख का डिमांड लेटर है। तो सर, कब पोजीशन देने की बात करी थी इन्होंने? 2020 मार्च में होना था, ठीक है, और आज जुलाई 2021 है, ठीक है। एंड इज आल्सो डिमांडिंग 2 लाख, एंड ऑल दीज ऑन साइट वर्क इज पेंडिंग अप टू नाउ। देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देर इज नो कनेक्टिविटी रोड, देर इज नो लिफ्ट। इफ यू वॉन्ट रियल साइट फोटो, यू कैन विजिट टू द सेक्टर 99 ए लक्ष्मी अपार्टमेंट। वी ऑल आर रेडी टू मूव विद यू। सो बिल्डर इज डूइंग देयर ओन थिंग्स, वी आर जस्ट बिल्डर से मिल। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के जिला पार्षद, यहाँ के विधायक या यहाँ के एमएलए, क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे जो लोकल लोग तुम्हें रेंट दे के रह रहे हैं, क्या उनको भी फ्लैट नहीं मिल सकता? अगर बात की जाए राकेश दौलताबाद की, अगर बात की जाए यहाँ पे जो भी करंट विधायक बीजेपी की तरफ से है, क्या कोई एक्शन ले सकते हैं? आई एम रेडी, आई हैव फ्लैट विद परीना, माई नेम इज नीरज मान, एंड इफ एनीवन वांट टू मीट यू, आई एम रेडी टू कम, बिकॉज देर इज अ मेंटली हैरेसमेंट सिचुएशन टू सुसाइड। आई कांट से नथिंग मोर देन इट, इफ एनीवन कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट द परीना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि हम बिल्डर को सवाल पूछते हैं, जाओ हमको अभी पुलिस दे रही है, वहाँ पे पुलिस एडवोकेट कर रही है। हमने पुलिस प्रशासन को नहीं मिलाया बुलाया। आम आदमी हमेशा कॉमन व्यवस्था को बना के चलता है। बिल्डर्स के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया गया और उन्होंने बोला कि यू आर क्रिएटिंग ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एंड आफ्टर दैट दे आर पुशिंग आउट अस विदाउट टू मीट द ओनर ऑफ द परीना, मिस्टर वीरेंद्र वर्मा। ही इज नॉट आंसरिंग ए सिंगल थिंग्स, एंड नाउ पुलिस प्रशासन इज आंसरिंग ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर्स। नाउ पुलिस विल डू दिस एक्ट, they will answer on behalf of builder. We are also the common people of this India country and this Gurgaon city. Can anyone answer? I just want answer. Sir, ek hi bataiye, humko protest karne ka pura adhikar. Police is threatening us like as that we are theft, we are doing something illegal things, we are selling drugs and Parina office. We are just here to ask that what is going on this project. Parina ke bill, Parina walo ka ye kehna hai ki aapko dhamki di ja rahi hai lagatar. Police dwara dhamki di ja rahi hai, abhi jao court mein jao, jo karna kar lo. Agar kuch karna to court khuli hai, court mein jao. Ye dekhiye, ye inki age hai na. Kabhi bhi paise pehle bola. 95 years. क्या कब देगा बिल्डर? जब ये 5 साल में और मर जाएंगे तब बिल्डर हैंड ओवर देगा क्या? क्या काम है हमारे? तब बिल्डर क्या काम क्या है हमारे? या फिर कोई सुसाइड कोई बात नहीं बताया, कोई बात नहीं देगा। तू बिल्कुल सेफ हो, जो दे दिया बस यही और नहीं। अब ये ठगी कहाँ से आ गई बता दी? ये देखिए, हर तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, हर तरीके से बिल्डरों की मनमानी चल रही है। परीना बिल्डर्स ने एक तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए तो पुलिस प्रशासन उनको हटाने की सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के, हमारे ज्यादा, हमसे ज्यादा काउंट पुलिस का है। क्यों भाई? अगर मॉल्स में अगर लाइन ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, अगर पब्लिक इकट्ठा होने से, तो लोग मॉल बंद करवा दो ना भाई, हमें हमारा फ्लैट दिवा दो। तो सर, या फिर कह दो जहर खा के मर जाओ। सर, एक बात बता दीजिए कि इन्होंने कंप्लेंट करी होगी, इनको लूट लिया गया एक तरीके से, 17-18 लाख के अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे आप? इन पे ही कार्रवाई कर रहे हैं, इनको ही भगाया जा रहा है। कहाँ कार्रवाई की हमने? सर, एक चीज कहना चाहूंगा कृष्ण कुमार जी, ठीक है, आप आए, ठीक है, हम में से किसी ने नहीं बुलाया। आपके कंट्रोल रूम में बीटी हुई होगी, वीनो प्रोसेस कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, मतलब भीड़ इकट्ठा हुई है, राइट? भीड़ इकट्ठा पॉलिटिक्स की रैली में भी होती है। हम यहाँ पे कोई रैली नहीं करने आए थे, जिसको पैसा दे रखा है सर उससे मिलने के लिए आए थे। एंड इफ ही इज फीलिंग कि हम उसको मारने आए हैं, तो भाई इतने रुपये देके किसी ने मानस मारने की हिम्मत मारी नहीं है। और ये आके पूछते हैं, या तो यहाँ से बाहर हो लो सर, आपकी वर्डिंग थी, या तो आप यहाँ से बाहर हो लो, नहीं तो हम पूछ सकते हो। मैं इनके सामने कह रहा हूँ, व्हाटएवर यू एक्शन लेना चाहे ले सकते हो। आपने बिल्डर्स के ऊपर कोई कार्रवाई की? इतने सारे लोगों को लूट लिया गया, इस पे बिल्डर्स पे बिल्डर का काम है, जो लूट लिया गया ना लिया गया इसके संबंध हमारे पास आज तक कोई शिकायत नहीं है। शिकायत देंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लीगल जो कार्रवाई हो कानून के दायरे में रहेगी। और इनको सिर्फ ये कहा गया, भाई आप यहाँ इकट्ठे मत हो,
आपने जो लीगल कार्रवाई है, आपके पैसे लूटे गए हैं या कुछ और गया है, या तो हमें लिखित शिकायत दो, हम इसको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। दूसरी बात, अगर नहीं है तो आप अदालत में जाइए, आपका एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के मुताबिक आप अदालत में जाइए, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। सर, सर, पुलिस प्रशासन यहीं पे है, बिल्कुल एग्री करते हो सर कृष्ण कुमार जी। हमें एक 420 की FIR दर्ज करनी है नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन, आप एक्सेप्ट करेंगे हमारी FIR? आप एक्सेप्ट करेंगे? शिकायत दीजिए ना, बिल्कुल आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग कहाँ हैं? आपने अभी संज्ञान में मामला ले लिया ना, ले लिया ना। शिकायत आएगी तो ही बात होगी। आप मेरे को एक बात बताइए, आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो कहाँ है? सेक्टर 99 है गुरुग्राम, नियर बसई विलेज और नियर धनकोट विलेज। उस थाने में तो संबंधित आपकी जो वो है, आप वहाँ जाकर शिकायत दीजिए, आपकी कार्रवाई होगी वहाँ पे। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये खुद पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि रिटर्न में, तो हम सब रिटर्न में कंप्लेन देने के लिए जाएंगे, और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो भगवान ही रब रखा। ये सारी उम्र कोर्ट में लगे रहेंगे, मतलब इस उम्र में कोर्ट का खर्चा। एक तो इन्होंने बिल्डर को पैसे दिए, फिर ये कोर्ट में पैसे देंगे, फालतू पैसा आ रहा है। कहाँ से पैसे भर जाएंगे हमें? यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हैं, इन्होंने 16 स्क्वायर फीट लगभग कारपेट एरिया फ्लैट का बढ़ा दिया। इनमें से किसी को भी नहीं पता है, वो नक्शे दिखा रहे हैं अपने, हमने नक्शे दिखाए। अगर किसी को नहीं पता है तो कैसे नहीं पता, आपने कम्युनिकेट क्यों नहीं किया? पहली बात में इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा कारपेट एरिया बढ़ गया एकदम, एक तरीके से आपके साथ लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं। एकदम सडनली 16 स्क्वायर फुट आपका एरिया बढ़ गया, पैसे निकालो। 4-5 साल में ही परीना का इंजीनियर को नहीं पता लगा, परीना के इंजीनियर को नहीं पता लगा कि भाई कोई परीना का इंजीनियर फुद्दू है, उसको नहीं पता लगा। 85 साल खड़ा है कोरोना में, आप बताइए ना किस लिए खड़ा है कोविड सिचुएशन में? ये भी चाहता है ना कि अपनी कमाई से जो भी लिया है वो एटलीस्ट उसको वापस मिल जाए। क्यों खड़ा है ये? देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। अभी हम गुरुग्राम के ओमेक्स सिटी सेंटर मॉल में खड़े हैं, जहां लोग परीना बिल्डर्स के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड लेटर इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए का मांगा है कई लोगों से। हमने कम से कम 7-8 और अफोर्डेबल हाउसिंग जिसमें पोजीशन मिला है रिसेंटली, सबसे रिक्वेस्ट किया, थोड़ा हमें भी बता दीजिए आपके में कितनी डिमांड आई। सब में एक 50-60-70 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हाईएस्ट होगा 80। इनकी डिमांड है लगभग 2 लाख रुपए। सब एक मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं, सब परेशान हो रहे हैं। परीना के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है जो हमसे भी पहले का शुरुआत हो चुका है, हाँ, अभी तक किसी का भी पोजीशन उन्होंने नहीं दिया है। सारे कस्टमर्स परेशान हैं और ये बिल्डर फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहा है, इसके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो पुलिस बुला लिया है ना उन्होंने, कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर बात करने आए थे, इतना फोर्स बुलाने का। मेरा भी करप्टेड है जिन्होंने बिना कुछ कम्प्लीट हुआ नहीं है और फिर भी ओसी दे दी। क्यों दी? ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली, फिर भी ओसी क्यों दे दी? मैं जो पैसा उन्होंने मां खिलाया वो वाला पैसा हमारे से पूरा कर रहे हैं, जो पैसा इन्होंने मां दिया है। एक सेकंड का, मैं हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का बंदा हूं और मैंने कम से कम 50 प्रोजेक्ट में मैंने लोन दिया है और इनको भी लोन दिया है मैंने, बट इस तरीके का फर्जी लेटर मैंने कहीं नहीं दिखाया। मैं आपको पिरामिड बिल्डर का लेटर दिखाना चाहता हूं जो मात्र 55,000 रुपए का है और इनका 2 लाख रुपए का है। आप सोचिए, यही पिरा और इसका प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है, प्लीज आप चुप रहिए 2 मिनट। उनका प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है और हमारा प्रोजेक्ट रहने लायक नहीं है। वो कहते हैं कि रोड हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आप रोड नहीं बनवा सकते तो आप बिल्डर किस बात के हो? और प्रशासन ने, ये पुलिस जो भी भाई साहब हैं, उन्होंने इतने गंदे तरीके से मेरे को भगाया, इतने गंदे तरीके से भगाया जैसे मैं चोर हूँ। जितनी उनकी सैलरी होगी उतना टैक्स देता हूँ मैं, और मेरे को गंदे तरीके से भगाया, कह रहे हैं कि तेरे को तुम लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते, भगाओ इन सालों को। ऐसे कोई पुलिस वाला बोलता है क्या? पुलिस वालों ने डंडा दिखाया, भगाया हमें, हम क्या चोर हैं? जैसे कि मतलब कोई यहाँ पे चोरी कर रहे हैं और हमारा ये ऐसे इस तरह से एक बार पुलिस प्रशासन से बात करते हैं जी। सारी घर के जेल में से आपके सब कुछ सारी उम्र कमाई एक मिनट में गई, खा के सारा बैठ गए, क्या मतलब क्या काम है हमारे? लोगों का यही कहना है उनकी सारी कमाई चली गई है। सर सर, लोगों का ये कहना है कि इनको बुरी तरीके से यहाँ से भगाया गया, आपने मतलब एक तरीके से अभद्रभाषियों का भी ऐसा है। कृष्ण सर ने, हमारे जो एडिशनल सचिव साहब, उन्होंने पहले बता दिया आप लोग यहाँ जाके हंगामा करोगे, आप लोगों को बता दिया लीगल कंप्लेंट दो, थाना में दो, कोर्ट में दो, तो आपकी प्रोसीडिंग जो भी बनेगी वो कार्रवाई होगी। अब आप लोग ऐसे शोर शराबा करोगे, आप देख रहे हो कि कोरोना का टाइम प्रोसीडिंग पे आप काम प्रोसीडिंग पे पीछे कैमरा दिखा भाई, इधर इतनी गैदरिंग कर रखी है आप लोग।
कोरोना का काम सर, कोरोना का टाइम सर, आप लोगों ने ये तरीका बिल्कुल गलत किया है। आप लोग इस कोरोना के नियमों की बात ना ही करें तो सही है, क्योंकि बीजेपी सरकार के लोग लगातार रोज रैली करते हैं, वो तो आपको भी पता है सिस्टम कितना करप्ट है, वो तो आपको पता है। हमारा जो मामला है ना, हमारे एरिया का मामला है, हम वो कार्रवाई करेंगे भाई साहब। हमको आप लोग बता दिया यार, आप लोगों को इतना बता दिया पहले, पोलाइटली इनको पहले, मैं बहुत पोलाइटली बता रहा हूँ, आप लोग मेरी सुनिए, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस प्लीज सर, लिसन केयरफुली। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग ना एक रिटर्न में कंप्लेंट दो, थाना में दो, कोर्ट में दो, आप इसको नोटिस भेजो। आप लोग घबरा क्यों रहे हो यार, पुलिस है, प्रशासन है, इस चीज के लिए हम है। लेकिन सब मिडिल क्लास फैमिली है, पहले हम यहाँ पैसे भरे, फिर हम कोर्ट में पैसे भरे, मतलब पूरी उम्र हम यही करते रहेंगे। एक सेकंड सर, कोर्ट में जाने से पहले एक बार राजीनामा के लिए बिल्डर के पास हम लोग आए थे, अगर और आज के बाद हम कोर्ट पे जाएंगे, ये थोड़ा ना पुलिस आके सीधे बोलेगी आप कोर्ट में जाओ। हम राजीनामा करने के लिए पहले बात तो करेंगे बिल्डर के साथ, हमसे वो भी करने नहीं दे जा रही है। अगर अगर जो हमें दिखाना चाहिए उसको बिल्डर को, जो हमें दिखाना चाहिए भैया आप ये आपके पैमाइश ही वो है, वो पुलिस वालों को दिखा रहे हैं, पुलिस वाले क्या करेंगे। देखो सुंदर, और दोनों बूढ़े और जेल बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, पलाट साहब वो बेच दिया, सारी बस खा के एक मिनट लगी इसमें, मतलब क्या इलाज करें इसका, कोई इलाज हो इसका, कोई पास नहीं जाएगा। मतलब बैंक भी इनको पेमेंट नहीं दे रहा, पिछले दो साल से मेरा 2.5% पैसा रोका हुआ है, आज तक इंडिया बुल्स ने इनको पेमेंट नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्होंने अभी तक ओसी नहीं दिया था। अब ये सोचो बैंक पैसा नहीं दे रहा, मतलब पिछले दो साल से 2.5% पैसा रोका हुआ, सर कितना चोर है ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों का लाखों पैसा इनको दे दिया, वो भी 4 साल पहले दे दिया, उसके बावजूद हम वेट कर रहे पिछले 2 साल से, हमें एक बात कर लेते हैं सर, आराम से लड़ते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी जितनी भी है सबके लिए गवर्नमेंट का रूल सेम है, ऐसा तो नहीं सकता परीना के अलग है, सिग्नेचर के अलग है, वहाँ के अलग है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, जो सबका मेन कंसर्न है, एडिशनल एरिया चार्जेस ले लिया विदाउट एनी कंसेंट। अब वो कह रहे हैं हमारे पास टाउन प्लानिंग ऑफिस का साइट मतलब रिवाइज प्लान है, तो आपको शेयर करना चाहिए था पहले ही। सेकंड जो डिफरेंस है, जो 33 KBA एंड 11 KBA का है, ये 11 KBA का जो मुद्दा उसमें ये है कि उन गवर्नमेंट ने इनको सहूलियत दे रखी है कि आप फिलहाल इससे काम करेंगे, एंड मीनवाइल आपको 33 KBA का पावर सबस्टेशन लगाना पड़ेगा, ये उसके चार्जेस ले रहे हैं, ECC चार्जेस ले रहे हैं, ERD चार्जेस ले रहे हैं, जिसका करीब करीब 42,000 पे बैठ रहा है, जो कि हाउसिंग में जो हमने फ्लैट कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है सब कुछ। अब वो इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस के नाम पे इन्वर्टर का चार्ज ले रहे हैं, जो इसका लिफ्ट का लेबर से हमसे ले रहे हैं, व्हेन वी पेड द अमाउंट ऑफ द फ्लैट तो उसके अंदर लेबर से अलग की क्या रिक्वायरमेंट है। सारे अफोर्डेबल सोसाइटी में जो मेंटेनेंस चार्ज है वो कारपेट एरिया पे है, दे आर चार्जिंग ऑन सुपर एरिया, तो करीब करीब बाकी बिल्डर से 1.25 लाख का डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। तो 15,000 रुपये सिक्योरिटी वो किस चीज़ की ले रहे हैं हमसे, वो हमें ये पता ही नहीं है। उसके अलावा वाटर कनेक्शन का भी कुछ पता ही नहीं कि वाटर का वहाँ पे कुछ मतलब उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, कोई कुछ नहीं पता उसका। ठीक है, हम लोग पिछले दो साल से तड़प रहे हैं कि हमें पोजीशन आज मिले कल मिले, तो हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बट वो अगर आज वो कह रहे हैं कि अगर एक महीने के अंदर आपने पैसा नहीं भरा तो हम आपको जो है लेट पेनल्टी लगाएंगे। बिल्कुल, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए, सबको परीना बिल्डर्स ने एक तरीके से लूट लिया है। कहाँ चले जाते हैं हमारे DTP RS भट्ट, कहाँ चले जाते हैं हमारे अरेरा के जो अधिकारी हैं, वो कहाँ चले जाते हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन पर, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कहाँ चले जाते हैं हमारे विधायक, क्योंकि एक के बाद एक घपले गुरुग्राम में नजर आ रहे हैं। MCG का देखें तो 2.5 करोड़ का घपला, किसी और का देखें तो और करोड़ों में घपले होते जा रहे हैं, ना ही हमारे DTP साहब नजर आ रहे हैं। अब जो सेक्टर ओमेक्स सिटी सेंटर मॉल में हम मौजूद हैं, यहाँ पे परीना के जो ऑफिस है, उसके बाद यहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाज़ उठाई, जिसके बाद लोगों को दबाने की कोशिश की गई। अब साथ ही लोगों से मैं भी सर आपसे अपील करूंगा, आप एक कंप्लेंट कीजिए, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आप बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। दो राउंड से हम कब्जा देंगे, कब्जा नहीं देंगे, हम ब्याज देंगे। वो कब्जा भी गया, ब्याज भी गया, उल्टा भाषी और मांगे, 2-2 लाख दे दे, 2.5 लाख दे दे, बोला कहाँ से जाऊँ अभी। लगातार आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हाँ, लेटर आ गया, 2 लाख रुपये दो भरो, ये करो, वो सारी उम्र कमाई करके धन बेच बूच कर जेवजार तो बढ़ाया। अच्छा, 2019 में हम आपको कब्जा देंगे, नहीं देंगे तो ब्याज देंगे, वो ब्याज कहाँ गया। सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन चल सकते हो, हम सब FIR करवाने वाले हैं, आ जाओ। सर, जब स्टार्टिंग में थोड़ा मेरा लोन लेट हुआ था, ठीक है, तो दो से ढाई महीने लेट हुआ था, इन्होंने 20,430 रुपया इंटरेस्ट लगाया था। तो यहाँ भैया कोरोना के वजह से 3 मास रुका है, बाकी तो ऐसे ही बैठा हुआ था, 1.5 साल लेट किया, इसका कोई इंटरेस्ट हमें नहीं दिया। ऊपर से यह 20,430 रुपया जो इंटरेस्ट लगा, ये लगातार आपको लूट ही रहे हैं एक तरीके से, 20,430 के जगह 40,000 रुपये ऐड कर दिया है पोजीशन लेटर के साथ।
ये भी लूटा रहे तो सर लगातार आपको लूट रहे हैं और देखें किस तरीके से। अब एक बार सारे लोग जो हैं इकट्ठा हुए थे, अब ये सेक्टर 50 के थाने में जाएंगे, उसके जो बिल्डर है उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाएंगे। साथ ही लक्ष्मी अपार्टमेंट सर ये है, और बिल्डर का नाम क्या था, कौन बिल्डर का नाम पता है? बिल्डर का नाम इनको नहीं पता है, पर आपको बता देते हैं लगातार ऐसे अवैध निर्माण, अवैध जो है लोगों के साथ खेल खेले जा रहे हैं, एक तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, लगातार ऐसे कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही ना ही हमारा पुलिस प्रशासन नज़र आता है, ना ही हमारे विधायक नज़र आते हैं, और ना ही हमारे जो DTP साहब है वो नज़र आते हैं। बड़ा सवाल प्रशासन पे, बड़ा सवाल विधायक जी पे कि इतने बड़े बड़े घपले होते हैं, किस तरीके से आप इस पे कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से इसका समाधान करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं, हम सबकी आवाज़ है, आप सबकी आवाज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे ताकि ऐसे घपलों से आप भी बचें और सतर्क रहें। साथ ही मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपना पैसा सोच समझ के लगाएं, क्योंकि ये बिल्डर्स हैं जो आपके जज्बातों के साथ खेल जाते हैं, पर जो पोजीशन है वो नहीं देते। ओमेक सिटी सेंटर मॉल सेक्टर 49 से आपको लाइव दिखाई, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। कैमरामैन तनुज के साथ भोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।